धर्मनगरी कुरुक्षेत्र डेंगू के दंश से दहली हुई है और हर एक घर में एक व्यक्ति डेंगू से ग्रस्त है। पेहेवा, किरमिट, झांसा, प्रतापगढ़, गोविंदगढ़, दीदारनगर, रविदास नगर, महादेव मोहल्ला, चतौला मोहल्ला, हर जगह डेंगू के प्रकोप से लोग परेशान हैं और हर कोई सरकारी अस्पताल तो कोई निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है। भुक्तभोगी आशीष अग्रवाल ने कहा कि घर घर में डेंगू फैला हुआ है, निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल भी इससे अछूते नहीं हैं, लेकिन विभाग इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। डेंगू से लोगों की कई जाने जा चुकी है, विभाग फॉगिंग करने या एहतियात बरतने को तैयार नहीं है। जिला मलेरिया अधिकारी एस के सोहोता किसी बात से इतफाक नहीं रखते। जनाब फरमाते हैं कि डेंगू के अब तक 18 कंफर्म मामले प्रकाश में आए हैं। उन्होंने अब तक कोई भी मौत होने से इनकार करते हुए कहा कि विभाग डेंगू से निपटने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। उन्होंने कहा कि अब नए डेंगू का लार्वा नहीं मिल रहा है, लेकिन पुराने के सामने आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, डेंगू की यदि बात की जाए तो अब तक कितने कंफर्म केस हैं और कितने सस्पेक्टेड मामले हैं? डेंगू के सस्पेक्टेड केसेस अभी तक 903 हैं और जो कंफर्म केसेस हैं वो 18 केसेस हुए हैं। डेथ की यदि बात की जाए तो कोई डेथ हुई है अभी? डेथ कोई भी नहीं है डेंगू से, तो ये काफी बढ़ता जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या, रोकथाम के लिए क्या? रोकथाम के लिए हमारी रेगुलर टीम्स बनी हुई है, जो कि 20 टीम तो अर्बन एरिया में है, पर टोटल मिला के तो मोर देन 150 टीम्स है डिस्ट्रिक्ट में जो रेगुलर अपना काम करती है, लार्वा और एंटी लार्वा एक्टिविटी करती है। 150 से भी बढ़ा के हमने बल्कि 200 टीम्स बढ़ा दी है। तो इतना एफर्ट्स करने के बावजूद भी ये काबू नहीं आ रहा? नहीं, अब तो लार्वा मिल नहीं रहा, डेली की एक्टिविटीज में लार्वा नहीं मिल रहा, लेकिन जो पुराने फीवर्स हैं केसेस वो आ रहे हैं, उसमें से दूसरे फीवर केसेस भी हैं, मतलब जैसे वायरल फीवर्स है और दूसरे केसेस हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काफी कुछ फैला हुआ है, तो क्या उनको भी काउंट करते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले केस जो करते हैं वो रैपिड कार्ड से करते हैं, केस वो कंफर्म नहीं बनाया था, सस्पेक्टेड केस होता है वो, उसको हम अपनी लैब में, लाइजा में करते हैं, तो तब कन्फर्म मानते हैं।